नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस समय स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिस युवा कलाकार को आप देख रहे हैं, गायकी में तो उन्होंने अपना काफी नाम कमाया ही है, साथ ही साथ वो अभिनय भी बहुत शानदार करते हैं। और ये एक तरह का बड़ा यूनिक किस्म का कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर। कुछ कलाकार जरूर ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो अभिनय के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की साधना कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। पहले स्वागत करते हैं आदित्य जी का और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मैं इस रागगिरी के चैनल पर आज आया हूँ। और पहला सवाल तो बहुत जो बुनियादी प्रश्न है जो सभी कलाकारों से पूछा जाता है और जिसका जवाब आप अब तक कई बार दे चुके होंगे, लेकिन बहुत कम उम्र में आपकी शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा दीक्षा है, तालीम है, वो शुरू हुई थी। क्या कहानी है, क्या किस्सा है, किसने उस हुनर को पहचाना और फिर ये तय किया कि नहीं, इस बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहिए? यस, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ क्लासिकल म्यूजिक की तरफ का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिशियन या क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरी जो नानी है वो थोड़ा बहुत सीखी थी, और पर बाकी ऐसा कोई बैकग्राउंड या कुछ भी नहीं था।
और मेरे मॉम डैड दोनों मतलब वर्किंग पेरेंट्स थे, बट उनकी इच्छा थी कि कोई ना कोई तो यू नो कला से हमारा ताल्लुक होना चाहिए लाइफ में, बस उनके दिमाग में इतना ही था। और वो दोनों वर्किंग थे तो उन्होंने मुझे एक क्रेश में, जैसे बेबी सिटिंग बोलते हैं, वहाँ पर रखा था। तो वहाँ पे जिनके पास रखा था उनके जो हस्बैंड थे, जो मेरे पहले गुरु पंडित चंद्रकांत पारकर जी, तो वो क्लासिकल म्यूजिक टीचर थे। वो अभी भी है हालांकि, वो सिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल की उम्र से मैं वहाँ पर था, तो मेरे कानों पर वही म्यूजिक पड़ा है। मतलब तो मतलब आई कैन से दैट यू नो आई बीन इंट्रोड्यूस्ड टू क्लासिकल म्यूजिक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। और वही चलता था। और थोड़ा जैसे मैं बड़ा हुआ तो ये उनसे ही मुझे जो पता चला है कि जैसे मैं बड़ा होते गया तो बाकी जो बच्चे थे वो खेलते रहते थे, और वो उनका एक छोटा घर था पहले, तो अलग दूसरे एक रूम में वो सिखाते थे, तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ जाके बैठ के वो क्लासेस सुनता था। और ऐसे कुछ साल तक चला। और जब मैं 5 साल का हुआ, मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, इसको सच में बहुत रुचि है, हमेशा ये सुनता रहता है, तो उन्होंने फिर सिखाना मुझे शुरू किया। पर क्या हुआ कि वो 3-4 साल में जो भी था इतना ऑलरेडी क्लासेस में सीखा था कि उन्होंने मतलब उन्हें मुझे सारे गमों से सिखाना पड़ा ही नहीं, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस में था। उन्होंने रागों से शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बिना सीखे इतने सालों से जो कानों में पड़ता है तो उसका बहुत असर होता है। और इसलिए हमारे गुरुजी और सभी क्लब म्यूजिशियन हमेशा कहते हैं कि लिसनिंग इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ लर्निंग म्यूजिक। एक्चुअली ऑलमोस्ट 80% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो उसका बहुत असर पड़ता है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। तो इसी तरह से मेरा जर्नी तभी शुरू हुआ था। तो जब शुरुआती एक दो बार आपने घर में कुछ गाया गुनगुनाया होगा 6 7 8 साल की उम्र में, तो पापा मम्मी को तो अच्छा खासा ताज्जुब हुआ होगा, हैरान हुए होंगे कि एक छोटे से बच्चे को देकर गए थे वहां क्रेच में कि वो थोड़ा उसकी देखभाल हो जाएगी, ये तो वहां से गायक बन के आ गया। हाँ, क्योंकि जब भी उन्होंने थोड़ा सा सिखाना शुरू कर दिया था तो उनकी गुरु पूर्णिमा होती थी हर साल, जैसे सब जगह होती है, तो वहां मैंने पहली बार गाना शुरू कर दिया था। और मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम जो मैंने गाया था अभी भी याद है, छोटा गाना था पर वो मैं गाया था, तो बहुत कॉन्फिडेंटली वगैरह सब गाया था, तो सबको ही ताज्जुब हुआ था कि अरे ये एकदम 5 साल का है और इतने कॉन्फिडेंटली, और उसे भी अच्छा लग रहा है गाने में और मजा आ रहा है। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दे ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, इसे सच में काफी अच्छी रुचि है। तो दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। अच्छा आदित्य, एक एक जटिल कह लें या कह लें कि एक चुनौती आती है जब आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का ना चला आ रहा हो, और वहां पर एक बच्चे को पढ़ना भी है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, वो सीख रहा है, उसके गुरु कह रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, बावजूद इसके एक डायलमा रहता है कि किस तरफ कमिट करें अपने आप को, पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाना है या रियाज में ज्यादा दिमाग लगाना। और ये उन घरों में ज्यादा होता है जहां म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि अगर पीढ़ी से चला आ रहा है फिर तो ठीक है कि इसको म्यूजिक करना ही करना है, मोर और लेस यही रहती है सिचुएशन। आपको कैसे, किस तरह का माहौल था, किस तरह से आपने बैलेंस किया, एज अ फादर मदर पेरेंट्स ने किस तरीके से उसको सपोर्ट किया, वो सब जरा बताइए। जी, तो ये तो शुरू में मैं पंडित चंद्रकांत पारकर जी से सीख रहा था, और जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 8 10 साल का, तो हमारा भी थोड़ा सा भी रिलोकेटेड टू वहीं पर पास में, बट थोड़ी अलग जगह पे, तो वहां से मुझे पारकर सर के यहाँ पर सीखना पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद 2 3 साल में उनके जो शिष्य है श्री प्रदीप धोन जी, उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया, और वहां पर मेरा भी इंटरेस्ट और बढ़ता गया। जैसे उन्होंने मतलब ख्याल म्यूजिक थोड़ा डीप में शुरू किया सिखाने में, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। पर तब तक मतलब मेरा एकेडमिक्स और ये एक हॉबी जैसा मैं सीख रहा था वैसे ही चल रहा था, और मुझे डॉक्टर बनना था एक्चुअली, दैट्स अ लॉस्ट ड्रीम जो रह गया, और मेरा काफी फिक्स था कि मुझे आगे जाके मेडिकल साइंस और डॉक्टर बनना है। पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये हुआ कि मैं जब भी 9th स्टैंडर्ड में था, तकरीबन 15 साल का, तो दहिसर में स्वानंद संगीत सभा करके है, अभी भी कार्यरत है, तो उन्होंने एक घराना सम्मेलन करके रखा था, और मैं तो हर क्लासिकल कॉन्सर्ट जो भी हो वो फर्स्ट लाइन में बैठ के अकेला सुनता था हमेशा। तो
तो वहां पर चारों घराने का, मतलब किराना घराने से, आगरा घराने से, जयपुर और ग्वालियर, चारों के लेक डैम जैसा था। तो वहां पर मेरे गुरुजी डॉक्टर पंडित राम देश पांडे जी ग्वालियर घराना के बारे में बात करने के लिए आए थे। तो उनका लास्ट में था, और वो जब भी उनको मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर इतना हुआ कि मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे इनसे सीखना है और मुझे ऐसा गाना है। पर हुआ यह कि तभी मतलब ऐसा कोई एक्सेस नहीं था मुझे उनके पास, मतलब मैं कैसे सीखूं उनसे। रादर मैं कहूंगा 15 साल नहीं, मैं 13 साल का था तभी ये हुआ, और मुझे कोई एक्सेस नहीं था उनके पास सीखने का, या ना मैं उनको जाके मिलने का कोई अपॉर्चुनिटी था। तो मैंने क्या किया, अगले 2 साल, मुझे अभी भी याद है, उनके जितने भी बॉम्बे और पुणे में प्रोग्राम्स हुए वो सब जाके मैंने अटेंड कर दिए, जितने भी हो रहे थे उनके 2 साल के लिए। और इतना कि मतलब 2 साल के बाद वो मुझे खुद पहचानने लगे कि ये 14-15 साल का लड़का मेरे हर एक प्रोग्राम में आता है और फर्स्ट लाइन में अकेला बैठ के अप्रिशिएट करता है म्यूजिक। तो समहाउ मैं जब 9th में था 15 साल का, तभी कोई ना कोई पहचान निकाल के हमने गुरुजी को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि इसे सीखने की बहुत इच्छा है आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इस लड़की को। तो फिर मैं उनके घर गया, उन्होंने मेरा गाना सुना, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब ही अग्रीड कि वो मुझे तालीम देना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके से मेरा उनके पास जर्नी शुरू हुआ। हालांकि जब भी उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, एक अट बोलते हैं ना, वैसा रखा था कि अगर आपको फुल टाइम म्यूजिक करना है तो ही मैं सिखाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं इतना म्यूजिक में घुस गया, वो 9th जब भी मैंने उनसे शुरू किया तो 9th और 10th में इतना, मतलब पढ़ाई छोड़ के वही सब कर रहा था। पर मेरे घर पे ऐसा माहौल है कि मेरे माँ पिताजी लाइक दे आर वेरी ओपन अबाउट इट एंड वेरी सपोर्टिव। तो उनका कहना था कि तुम्हें जो भी करना है वो यू शुड बी हैप्पी, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुमको करना है। खाली उन्होंने एक चीज मुझे तभी बताया था 10th में, क्योंकि मैं इतना घुस गया था म्यूजिक में कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था मुझे पढ़ाई करने का या कुछ भी। और 10th वैसे एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जिसे कहते हैं होता है। तो उन्होंने मुझे बैठ के एक बार यही समझाया था कि देखो बेटा, तुम्हें ये करना तो अच्छा है और आगे तुम्हें अगर ये करना है तो वी विल सपोर्ट यू, पर ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ आया नहीं 10th में, इसके लिए तुम गाना कर रहे हो। मतलब एटलीस्ट तुम्हारा 10th ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम मेडिकल में भी जा सकते हो या और भी कुछ कर सकते हो, पर एज अ चॉइस तुम म्यूजिक कर रहे हो, ये होना चाहिए। तो ये बात मेरे जहन में बैठ गई, और मतलब आई वॉज ऑलवेज डिसेंटली गुड स्टूडेंट आई वुड से। तो फिर लास्ट के 6 महीने में मैंने शुरू किया और आई गॉट फेयरली नाइस परसेंटेज इन द 10th स्टैंडर्ड। एंड जैसे हमने शुरू किया था तो तय किया था, उसके बाद मैंने म्यूजिक का ही डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मैं और कुछ नहीं कर रहा था। तो 12th स्टैंडर्ड, और फिर हमें ऐसा लगा कि एकेडमिक्स का कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए, तो 12th स्टैंडर्ड मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से कर दिया। तो दो को 11वीं 12वीं दोनों चल रहा था, म्यूजिक का डिप्लोमा भी और 12th का कॉमर्स का ये भी, वो 2 साल। और वो होने के बाद फिर सब मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरी मॉम को सबको ये ऐसा लगा कि वो जो कॉलेज की जो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल होते हैं तभी यू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों के सामने जाने की, इट बिल्ड्स यू एज अ पर्सन। कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यू लर्न अ लॉट बेसिकली आप वंस यू स्टेप आउट इन दैट वर्ल्ड। तो हमने गुरुजी को अप्रोच किया था और मैंने उनसे परमिशन लिया कि देखो ऐसा ऐसा है और मुझे मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ, पर मेरा ध्यान तो इसी पे रहेगा, और मतलब आई अश्योर यू कि मेरा गाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ये करना है तो, और तो फिर हम मैंने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया कि 3ों साल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे यूनिवर्सिटी लेवल के और नेशनल लेवल से लेके कॉलेज लेवल के, उस सारे अटेंड किए, और लकीली मुझे सारे कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल तभी मिला था। तो वहाँ पे भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। तो तब तक मेरा ऐसा था कि हाँ ये सिर्फ बीकॉम करना है और मुझे
गाना करना है ऐसे। और जब ये TYBCOM कंप्लीट हुआ मेरा, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही अच्छे थे अकाउंट्स के, और उन्होंने मेरी रुचि ये सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी टैक्सेशन इसमें बहुत बढ़ाई ग्रेजुएशन के टाइम। और somehow मुझे ऐसा लगा कि CA का एंट्रेंस एग्जाम दे के देखना चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा ऐसा करके। तो TYBCOM होने के बाद जो उसका वेकेशन था 1-1.5 महीने का, उसी में मैंने प्रिपरेशन करके CA एंट्रेंस दे दिया। और गॉड्स ग्रेस की मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया फर्स्ट इसमें। और वो क्लियर होने के बाद फिर मजा आया, क्योंकि फिर वह फिर से गुरुजी के पास गया और उन्होंने मुझे मैंने कहा कि देखो मैं गाना तो चल रहा है, मुझे अभी एक CA इंटर का भी ये करना है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है तो 12वीं से शुरू किया था, फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया, अभी यही करना है। पर वो एट एनी मोमेंट वो ये जानते थे कि मेरा गाने से जो फोकस था वो कभी हट नहीं रहा था। सो ही वॉज हैप्पी अबाउट इट एंड ही वॉज दैट्स वाई ही वॉज वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें वो भी करना है तो ठीक है वो भी करो। तो ऐसा करते करते आई कैप पुशिंग इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो CA इंटर भी हो गया, फिर आर्टिकलशिप 3 साल के बाद CA फाइनल भी हो गया, एंड गॉड्स ग्रेस सब फर्स्ट अटेम्प्ट में होता गया। और जैसे मेरा CA इंटर भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनको भी एक अलग से एक प्यार और रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा था कि ये लड़का म्यूजिक से फोकस भी नहीं हटा रहा है और ये भी उतने ही मन लगाकर और ये सिंसियरली कर रहा है। तो उनको ये मतलब ही ऑल्सो स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट कि हाँ ये ऐसा ही नहीं कि ये कर रहा है म्यूजिक अभी भी करेगा और उसके साथ ये भी करेगा। तो वो भी सपोर्ट करके फिर दैट्स हाउ आई वॉज बैलेंसिंग। ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ राइड, बहुत सारा कुछ एडजस्टमेंट्स और ये करने पड़ रहे थे। मुझे याद है एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि मेरा इंटर्नशिप आर्टिकलशिप चल रहा था, और CA का आर्टिकलशिप स्पेशली अगर आप बिग 4 डेलॉयट वगैरह में हो तो बहुत हेक्टिक होता है। तो हमारा पूरा रात भर काम रहता था जब ये ऑडिट्स रहते थे। तो मेरा सुबह से रात तक शाम तक मैंने काम किया, और मेरा पार्ला में कॉन्सर्ट था। और अच्छा ये था कि वो कॉन्सर्ट में खुद किशोरी तई जी वो भी आए थे सुनने। तो इट वॉज लाइक अ वेरी मेमोरेबल कॉन्सर्ट फॉर मी। तो ऑफिस से मैं डायरेक्टली कॉन्सर्ट पे गया था, वहाँ पे 3 घंटा जो भी था वो कॉन्सर्ट किया। कॉन्सर्ट लकीली ठीक ठाक हुआ और उनका आशीर्वाद भी मिला। और फिर वहाँ से मैं रात को 10 बजे फिर से ऑफिस गया 12 बजे, और सुबह 6-7 बजे तक काम किया। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं उसे स्टंट्स और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इस तरीके से बैलेंस हो रहा था। सो या ऑफ कोर्स इट वाज नॉट लाइक अ वेरी स्मूथ थिंग टू डू, बट वेरी इंटरेस्टिंग और या अच्छा था। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस हुआ। मैं जो मतलब ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि मैंने बीकॉम किया था तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं सीए करूं, लेकिन मैं नाम से ही डर लगता था पढ़ने की, तो बात छोड़ दीजिए। और जिसको आप बहुत आसानी से बता रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, वो इतना आसान काम होता नहीं है, ये मेरे ख्याल से आप भी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। आदित्य एक चीज और बताइए, चूंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, एक सवाल और आपके अभी बचपन से ही मैं पूछूंगा। आपने शुरुआत में बहुत क्लैरिटी से बताया कि मदर फादर वर्किंग थे, म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे में आप सुनते क्या थे बचपन में? वो कौन से कलाकार थे क्लासिकल म्यूजिक के या फिल्म म्यूजिक के जिनको आप सुनते रहे हो, मतलब अपने गुरुओं के अलावा, और जिनको सुन के आपको ये समझ आया हो कि हाँ ये फलां गायक का स्टाइल है या ये फलां गायक का स्टाइल है, और मुझे इसके बीच में से या इस तरह से करना है या इस तरह से करना है, वो जरा बताइए। जी सो एकदम शुरू में जब भी मैं बहुत छोटा था और जब भी इंट्रोडक्शन जब भी हुआ था, तो तभी तो मैं सिर्फ गुरुजी के जो क्लासेस थे वो सुनता था। तो और उस तरीके से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, और फिर वही गुरुजी के जितने भी कॉन्सर्ट्स रहे हो या गुरु पूर्णिमा हो वही सुनता था, बाकी ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। जब भी मैंने प्रॉपर तालीम गुरुजी डॉक्टर राम देशपांडे जी के पास शुरू की, तो एक्चुअली आई वुड से कि प्रोफेशनली मेरा जर्नी म्यूजिक की तरफ शुरू हुआ। और तभी अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो शुरू के जो एक 4 से 5 साल होते हैं, जो मैंने भी किया, और आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि वो एक जो अपनी स्टाइल है अपने गुरुजी और उनकी परंपरा के जितने भी कलाकार हैं उनका सुने, और वो 4-5 साल इन्वेस्ट करे कि वो जो अपनी एक गायकी है या जो भी घराना है उसकी प्रॉपर तालीम ले,
और वंस यू आर यू नो फेयरली कंफर्टेबल विद दैट, देन आपका एक्चुअली जर्नी शुरू होता है टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी. और एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि इन जब भी आप 4-5 साल के लिए इन सबका सुनते हैं तो यू स्टार्ट सिंगिंग उनके जैसा ही, तो एक अलग जर्नी शुरू होता है कि इसके बाहर कुछ अलग जाके भी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है. तो तभी आप जितना हो सके वो सारे कलाकार, और स्पेशली जो हम मैंने क्या किया कि जितने भी पुराने कलाकार हैं, जितना पुराना अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब है, उस्ताद अमीर खां साहब है, पंडित जसराज जी तो थे ही अभी तक, और पंडित दीवी पलुस्कर जी है, पंडित शरद चंद्र आवलकर जी है, फैयाज खां साहब है, जितना पुराना आप सुन सकते हो. बिकॉज वो क्या है, आप जितना ओरिजिनल की तरफ जाके सुन सकते हो वो उतना अच्छा है, क्योंकि ओवर द टाइम म्यूजिक में यही नहीं इवॉल्व होते गया है अपने अपने तरीकों से, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीख के अपनी अपनी स्टाइल बनाई है. तो अगर आपको अपनी स्टाइल बनानी है तो जिन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टाइल बनाई है उनका सीखने से अच्छा, जितना आप पुराना पुराने कलाकारों का ओरिजिनल सुन के आप सुनोगे तो वहां से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है. तो दिस इज हाउ आई इन्वेस्टेड दैट टाइम. और ये जो इंटरव्यू सीरीज है आदित्य, उसमें हम हमेशा अपने कलाकार से, अपने मेहमान से ये भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने गुरुओं के बारे में भी, कैसे उन्होंने, मतलब एक कलाकार को गढ़ते हैं ना पूरा, मतलब ऐसा नहीं होता, ये तो आप जानते हैं कि गायकी सिखा देने भर से कोई कलाकार नहीं बन जाता, वो पूरा का पूरा जो जी मंच पे प्रस्तुति करने का तरीका है, लोगों से मिलने जुलने की जो तरीका है, बात करने का तरीका है, राग को समझने का जो तरीका है। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि जो आपके गुरु रहे, जितने भी शुरू से लेकर और अभी तक, उन्होंने किस तरह से आपको गढ़ा, उसके बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। जी दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली. तो मैं गुरुजी डॉक्टर रामदेश पांडे जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीरियसली मैं कह सकता हूँ कि तालीम जिसे कहते हैं वो शुरू ही. तो एक है कि नॉर्मल सिखाना, बट गुरु जिसे हम कहते हैं, तो गुरु आपके सीखने के प्रोसेस में उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितना आप होते हैं. तो मतलब इट इज एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग फॉर गुरु जी ऑल्सो. हम तो मेहनत करते ही है, पर उन्हें हमसे वो जो तंत्र जो भाग होता है उसका वो सिखाने में उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और हमारे जो गुरु जी, और मेरे में ऐसा नहीं, जितने भी उनके शिष्य थे सब में उतने इन्वेस्टेड थे और इन्वॉल्व थे उनका. मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू में 1-2 साल हुए थे तो खुद 4 बजे उठ के वो फोन करते थे हमको कि ये रियाज करने के लिए उठा है या नहीं. तो लकीली 1-2 बार, 2 बार जब भी उन्होंने किया था तो मैं जगा हुआ था और रियाज शुरू था, पर जिनका नहीं था उन्हें बहुत डांट पड़ी थी. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि, और उनका हमेशा ये प्रिंसिपल हुआ है आज तक, और आज तक मैं कहूंगा कि जो खुद चीज उन्होंने नहीं की वो उन्होंने कभी हमें करने को नहीं कही है. तो जो भी जो जो भी कुछ हमसे वो एक्सपेक्ट करते थे वो पहले खुद करते थे और हमने देखा है उन्हें करते. तो जब भी आपके गुरुजी खुद आपके सामने वो करते हैं तो इट बिकम्स यू नो बहुत एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल हो जाता है. मोटिवेशन तो बिल्कुल, खैर बहुत टेम्पररी होता है, बट इट बिकम्स लाइक एन इंस्पिरेशन. और वो इतने इन्वेस्टेड थे कि उनका ध्यान रहता था कि हाँ इसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है क्या. और जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि क्लास में, और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहूंगा कि आप गुरुजी के घर में जाके जो क्लास में सीखते हो दैट इज हार्डली 30-40%, क्योंकि बाकी का पूरा 60% आप गुरुजी के जितने प्रोग्राम्स में जाके उनको स्वर साथ कहो या उनका प्रोग्राम सुनो, जितना वो करोगे उससे सीखने मिलता है. जैसे कि मैंने कहा कि लिसनिंग, क्योंकि क्लास में कैसा होता है, जब भी आपकी तालीम होती है तो वो जितना रॉ फॉर्म में आपको सिखाने का या टेक्निक्स और ये सब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्र हो, तंत्र हो, जो भी हो, पर उस सबका जो भी आप सीख रहे हो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो एस्थेटिकली लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, वो तभी आपको समझेगा जब आप उन्हीं के कॉन्सर्ट सुनते हो. और अगर उन्हें पीछे तानपुरा साथ या स्वर साथ करने बैठोगे तो उसमें बहुत सीखने मिलता है, क्योंकि वो बहुत एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी रहता है. क्योंकि मजा तो बहुत आता है पीछे सुनने में, पर एक बहुत डर रहता है कि किसी भी समय गुरुजी पीछे देख के बोलेंगे कि अभी तुम गाओ, तो बिल्कुल बहुत ही टेंशन वाला ये
ये रहता है। और उन्होंने एक, मैं जरूर दर्शकों से एक शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमें सिखाया इस तरीके से है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास सीख रहा था और गुरु पूर्णिमा थी हमारी, और मैं ऐसे ही एक सीनियर स्टूडेंट के पीछे बैठ गया था, तो मेरा कुछ ऐसा इतने राग उन्होंने सिखाए नहीं थे तभी, तो वो कुछ मुलता नहीं उन्होंने गाना शुरू कर दिया जो मैंने कभी सुना नहीं था या कुछ नहीं, और मैं सिर्फ तानपुरा पे बैठा था। और सडनली एक 20-25 मिनट के बाद गुरुजी ने नीचे से बोला कि अभी पीछे से आदित्य को गाने दो, और मैं कुछ गा ही नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं गा पाया, मैं तो ऐसा आई जस्ट फ्रोज। मैं कोई तो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे गाने बोलेंगे, और वो राग भी मुझे नहीं सिखाया था कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं गा पाया। एनी वेज तो दैट मोमेंट पास, तो मैं जब भी नीचे आया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी उस चीज की, तो मैंने उनको बताया पर गुरु जी ये आपने सिखाया नहीं है मुझे, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, लाइक सिखाने के बाद तो कोई भी गा सकता है ना, लाइक तुम पीछे बैठ के आधे घंटे से वो सीनियर स्टूडेंट वही राग गा रहा था, तो आधे घंटे से तो तुम सुन रहे हो ना कि क्या गा रहा है, तो तुम एक आध आवर्तन तो तुम्हें गाने आना चाहिए, नहीं तो तुम क्या सुन रहे हो, सिर्फ मजा ले रहे हो। तो उन्होंने वो चीज बहुत, और वो मेरे ध्यान में बहुत उस दिन से है कि गाना जब भी आप सुनने जाते हो, और वो मैं अभी भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलमोस्ट हमेशा बताते रहता हूँ कि अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो तो लिसन टू अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, ना कि एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह, बिकॉज नॉर्मल ऑडियंस तो आराम करने के लिए या अच्छा लगने के लिए या उससे मजा लेने के लिए गाना सुनते हैं, पर स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक को ऐसे गाना नहीं सुनना है, उसे मतलब कान में तेल डाल के गाना सुनना है कि अभी उसने क्या किया, आज क्या अलग किया, या ये राग आज अलग क्या प्रस्तुत किया। तो ये जो लिसनिंग का भी जो एक संस्कार है वो हमारे गुरुजी ने हमें इनकलकेट वैसे किया था, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका ये, और आज भी मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ जाके आया, तो वो हमेशा पूछते हैं कि क्या गाए, और क्या गाए मतलब सिर्फ राग नहीं, कौन सी बंदिश गाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब भी शुरू करने या शुरू किया था और मैं सवाई गंधर्व सुनने गया था मुझे, अब क्योंकि बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और 3-4 दिन सबका सुना मैंने, और बाद में आके गुरुजी को बोला बहुत मजा आया, तो बोले कि क्या क्या किसने क्या क्या गाया, तो मैंने बोला इसने ये गाया, पहला राग ये गाया, दूसरा राग ये गाया, तो बोले फिर क्या क्या बंदिशे गाए, तो मैंने बोला उतना तो याद नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों याद क्यों नहीं है बोले 1 घंटे के लिए वो एक बंदिश गा रहे थे, एक राग गा रहे थे, मतलब तुम्हारा ध्यान किधर था, अगर 1 घंटे के लिए कोई गा रहा हो तुम्हें बंदिश के पहले 2-3 शब्द भी याद नहीं है, मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन से सुनना ही नहीं है, तो ऐसे तो अभी भी मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो पूछते हैं कि उसके बाद क्या बंदिश गया, अच्छा फिर क्या गाया कौन सा राग, तो वो एक आदत हो जाता है, और अभी और दिस इज हाउ यू शिष्यों को तैयार करते हैं ना जैसे, तो उसमें हर तरीके से, सिर्फ गाना सिखाना नहीं, गाना सुनना कैसे है, गाने के ऊपर विचार कैसे करना है, हर तरीके से गुरुजी का मार्गदर्शन बहुत गहराई से हमें मिला है। सॉरी फॉर माई लॉन्ग आंसर्स टू योर नहीं नहीं क्वेश्चन, नहीं बट बिल्कुल आई नहीं, बहुत अच्छी है थिंक इसमें, इसमें बल्कि ज्यादा मजा आ रहा है। आदित्य मुझे ये बताइए कि फिर ये अभिनय कहाँ से आया, मतलब मैं बहुत देर से सोच रहा था, और मैंने अपना मतलब जितना दिमाग दौड़ाया इस हाल फिलहाल के कलाकारों में, तो मुझे शेखर दा याद आए कि शेखर सेन साहब अभिनय भी करते हैं और गाते भी हैं, और बाकायदा अप्पा जी से सीखा है उन्होंने, और दूसरा नाम मुझे अभी आपका ही याद आ रहा है, तो और ये कैसे शुरू कैसे हुआ ये? जी इसका भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा आंसर, सो बेयर विद मी, कोई बट ये हुआ कि मैं सीए होने के बाद गाना तो चल ही रहा था और जॉब भी कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन जेपी मॉर्गन एट दैट टाइम, और काफ़ोर मुझे हमेशा से एक मन में इच्छा थी कि मुझे फुल टाइम म्यूजिक करना है, तो पर वो गुड मोमेंट कभी आ नहीं रहा था, तो फाइनली 4-5 साल के बाद नौकरी करने के बाद मैंने ठान लिया कि आई विल क्विट माई जॉब, गुड पेइंग जॉब, एंड आई विल डू फुल टाइम म्यूजिक, एंड थैंकफुली मतलब एवरी वन इन माई फैमिली, माई वाइफ, उनके पेरेंट्स सभी ने सपोर्ट किया, लाइक सपोर्ट के मामले में मुझे आई वुड से वेरी लकी कि कभी किसी ने ऐसा दे नेवर मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी, रादर दे सपोर्टेड इन वट एवर आई डिसाइडेड, तो ये डिसीजन लेके फिर मैंने जॉब भी क्विट कर लिया, और सडनली जॉब क्विट करने के बाद मेरा पूरा ध्यान था कि मुझे अभी फुल टाइम म्यूजिक करना है, और मुझे
कॉल आ गया उनके प्रोड्यूसर के टीम से कि हमें हमें ऐसा एक फिल्म बना रहे, तो हमें प्रोटैगनिस्ट के लिए हमको ऑडिशन देना है। तो मुझे तो पहले लगा कि, सबसे पहला तो मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कि ये प्रैंक कॉल है, क्योंकि हम ऐसे दोस्त एक दूसरे से कभी मजाक मस्ती में कर लेते हैं। तो मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आऊंगा, अच्छा है, और रख दिया। फिर मैं भूल भी गया उसके बारे में। तो 1-1.5 हफ्ते के बाद उनका फिर से जब भी फोन आया, तो आई थॉट कि नहीं ये कुछ सीरियस है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, आपको अगर प्लेबैक सिंगिंग के लिए या कुछ चाहिए तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा, बट एक्टिंग का मुझे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको अगर हम आपको ट्रेन करेंगे तो आपको इच्छा है क्या? तो मैं बोला कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, किसे इच्छा नहीं होगी। और वैसे करके हमारे जो डायरेक्टर है, वेरी रिनाउंड, वेरी क्रिटिकली अक्लेम डायरेक्टर है, चैतन्य तामाने जी, तो ही मेट मी। और कैसा रहता है कि उनका एक जो केमिस्ट्री होता है ना, जो फर्स्ट मीटिंग में ही आपको पता चल जाता है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, और वाइस वर्सा। तो वो फर्स्ट मीटिंग में ही जो डिस्कशन हुआ, उससे मुझे लगा कि आई कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम। एंड उनके लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझ पे ट्रस्ट करना इसके लिए, बट दे वर लाइक कि, और उन्होंने ऑडिशन भी कराया, और लकीली वो ऑडिशन भी अच्छा हुआ उन्होंने, बिकॉज दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल, कि ऐसा दे डोंट पुट मी ऑन अ स्पॉट कि अरे अभी आपको एक्टिंग करना है, वैसा नहीं। दे गेव मी दैट टाइम और ऑडिशन करके। और द रीजन मैं कहूंगा कि वाई ही सिलेक्टेड मी ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक ये जो शरद नेरुलकर का रोल था, उसके लिए लाइक आई डोंट इवन नो द काउंट कितने लोगों ने उसके लिए ऑडिशन किया था। जितने भी म्यूजिक के मेरे, मैं जिन्हें जानता हूँ म्यूजिक में, उस सभी ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन किया था। और इवन एक्टिंग के, टेलीविजन इंडस्ट्री और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, उन्होंने भी, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया था। सो आई वॉज रियली लक्की दैट आई वॉज सिलेक्टेड, मेजरली बिकॉज चैतन्य जो है हमारे डायरेक्टर, उनका अप्रोच बहुत रियलिस्टिक है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो इट्स मोर अबाउट ट्राइंग टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। तो उन्हें एक्टिंग नहीं, लाइक ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी एज क्लोज टू रियल एज पॉसिबल इन द फिल्म और ऑन द स्क्रीन। और कैसा है कि जनरली जब भी ऐसा कोई रोल होता है तो वी कास्ट गुड एक्टर्स हु कैन सिंग, बट उनका ये था कि नहीं, मुझे ऐसा सिंगर कास्ट करना है हु कैन एक्ट। क्योंकि कैसा है कि जब भी आप बड़े, जैसे आप ड्रामा या थिएटर करते हो तो वहां पे थोड़ा लाउड एक्टिंग या जो भी है वो करनी पड़ती है, बट व्हेन यू आर इन अ टाइट क्लोजअप स्क्रीन पर, तो वहां पे उन्होंने सिखाया था कि लेस इज मोर। तो उनको ज्यादा आपको वो इंटरनलाइज करना पड़ता है वो इमोशंस, और वो रादर देन एग्जिबिटिंग इट इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो अगर आप इसे फेक करने जाओगे तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, एस्पेशली ऑन अ इंटरनेशनल स्टेज, बिकॉज ही ऑलवेज मेक्स फिल्म फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस। तो हिज कॉम्पिटिशन ऑलवेज इज विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एंड हॉलीवुड एंड ऑल दैट स्टफ। तो दैट्स वाई ही चोज कि आई हैव टू फील ऑल दैट इमोशंस। तो दैट्स हाउ ही ऑल्सो अप्रोच मी एंड ही कन्विंस मी कि वी वॉन्ट टू कास्ट यू, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। ऑफकोर्स इट वॉज अ वेरी वेरी एनलाइटिंग एंड डिफरेंट डिफिकल्ट जर्नी ऑल्सो, बिकॉज लाइक आई वॉज सुपर ओवरवेट। मैं ओवरवेट था, तो मुझे ऑलमोस्ट 20-23 kgs कम करने थे 3 महीने में, क्योंकि मुझे 22 साल का दिखना था। तो हमने 22 साल के, तो मैंने किए, ऑफकोर्स उनके ट्रेनर्स वगैरह थे, तो मैंने वेट कम करके 22 साल का शूटिंग किया। और फिर इम्पोर्टेंट ये आया कि हमारा शूटिंग में ब्रेक था 20-25 दिन का, और 20-25 दिन में मुझे वापस जो मैंने लूज किए थे 20 किलो, वो वापस पुट ऑन करने थे। तो मुझे वापस 20 किलो बढ़ाने थे 20-25 दिन क्योंकि मुझे सेकेंड हाफ के लिए 40 साल का भी दिखना था। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और हमारे वर्कशॉप, जितना भी हमें शूटिंग के पहले टाइम मिलता था, तो ही यूज टू गाइड मी। वर्कशॉप्स होते थे हमारे, कभी कभी वन ऑन वन होते थे, कभी कभी जिनके साथ सीन है उनके साथ होते थे। तो इट वॉज लाइक एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि ये चल रहा है और ट्रेन भी कर रहे हैं और उसके साथ शूटिंग भी हो रहा है और ऐसा। तो इट वॉज क्वाइट आई से वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। पार्डन मी।
बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, हो सकता है वो आपका ईमेल वगैरह ढूंढ के यही पूछें कि ये 3 महीने में 22 किलो कम करना और 22 किलो बढ़ाना, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है। अच्छा आदित्य, जब हम लोग अक्सर बात करते हैं कलाओं के अंतर संबंध पर, और हम बात करते हैं कि अगर आप लिटरेचर आपको अच्छा समझ में आता है तो आप अच्छा गायक होते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि आप उसको समझते हैं। अगर आप कबीर को समझते हैं, रहीम को समझते हैं, या मीरा को समझते हैं, अभिनय में अभिनय एक ऐसी चीज है जहां पर आप जो नहीं है वो आपको दिखाना है। दरअसल आप किसी और के लिए कास्ट किए गए हैं, आपको उसके रोल में रहना है, उसके किरदार में रहना है। संगीत एकदम एक अलग किस्म का विषय है। यमन है तो यमन में डूबना है, किरवानी है तो किरवानी में डूबना है, ललित है तो ललित में डूबना है। कहीं दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिखती है? लगता है कि नहीं, दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। तो देखिए, अगर आप आर्ट के बारे में बात करें तो देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। दुनिया, और अगर बाहर से देखेंगे तो बहुत ही अलग दुनिया है, क्योंकि जो एक्टिंग और टेलीविजन नहीं बट फिल्म का जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। और वहाँ पे जो स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगा बट वहाँ पे जो चैलेंजेस और वो सब है, वे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फेस इन दिस थिंग। बट एज एन आर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। और पुटिंग मी इन टू द पिक्चर, जैसे फॉर मेरे लिए कैसा था कि आई एम अ फोर्स मेथड एक्टर आई वुड से, क्योंकि मैं मुझे एक्टिंग नहीं आती तो आई हैव टू बिकम दैट पर्सन। तो वो जो भी 2-3 महीना था वर्कशॉप थे, तो और मैं शरद नेलुकर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर आपने फिल्म देखी हो तो शरद नेलुकर हैज बीन लाइक ओनली फोकस्ड, गुरु जी ने जो कहा है उतना ही करो, और यू नो वेरी सरेंडरिंग टुवर्ड दिस। और मैंने तो सब चीज कर लिया, अभी कुछ बचा नहीं है। कॉलेज में बैंड में भी गा लिया, कॉलेज भी कर लिया, आर्टिकलशिप भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, अभी फिल्म भी कर लिया। तो जो जो चीज उसने नहीं की वो सारी मैंने की है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती थी, क्योंकि सो दैट आई बिलीव इन वॉट आई एम सेइंग, क्योंकि अदरवाइज जनरली जो मैं बिलीव ही नहीं करूंगा वो सब शरद नेरुलकर के मुंह से आ रहा है, जो सारे डायलॉग्स। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन चैतन्य के साथ मेरे होते थे, एंड ही यूज्ड टू टेल मी यू नो कि व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू, यू हैव टू स्टेप योर सेल्फ इन टू हिज शूज। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे कही थी कि हमें क्या लगता है कि मेथड एक्टर हो या जो भी हो, हमें मुझे शरद नेरुलकर बनना है, या अगर कोई और करना है, अगर मुझे पृथ्वीराज चौहान बनना है तो वो वैसा नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे एक चीज कहा था कि तुम्हें शरद नेरुलकर नहीं बनना है, तुम्हें अपने अंदर के शरद नेरुलकर को जानना है, तो ही वो रियल लगेगा। अगर तुम कोई इमेजिनरी शरद नेरुलकर जैसा बनने या बोलने जाओगे तो फिर भी वो फेक ही लगेगा। तुम्हारे अंदर के शरद नेरुलकर को ढूंढो। तो इट्स अ वेरी इमोशनली टायरिंग जर्नी, क्योंकि आई टू गो बैक टू ऑल दोज इनसिक्योरिटीज जो शरद नेरुलकर को होती है, जेलसी होती है, और सबको होती है, हर एक कलाकार इसमें से जाता है। तो यू हैव टू गो बैक टू ऑल दोज इमोशंस एंड फील देम, तभी वो रियलिस्टिकली स्क्रीन पे दिखता है। क्योंकि उसने कहा था कि स्क्रीन पे आप झूठ नहीं बोल सकते, लाइक स्क्रीन पकड़ लेता है, अगर आपके मन में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है तो स्क्रीन पे पता चल जाता है। तो और सिमिलर चीज क्लासिकल म्यूजिक में भी है, क्योंकि जब तक आप पूरा वो यमन में डूबोगे नहीं और आपको पता नहीं है कि आज मेरा यमन कैसे होने वाला है, या आज मेरा मुल्तानी कैसे होने वाला है, तो जब तक आप पूरा उस यमन में आप इफ यू आर नॉट इमर्स्ड कंप्लीटली, और हमेशा अलग अलग भी होता है राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप ऐसा नहीं है कि यमन में डूबोगे तो हर हर कॉन्सर्ट में यमन उतना ही अच्छा होगा या वैसे ही होगा। तो अगेन आपके अंदर यू हैव टू इंटरनलाइज, तो दोनों जगह पे वो इंटरनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर क्लासिकल म्यूजिक मैं कहूंगा, बिकॉज यहाँ पर आप रिहर्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्री कंपोज नहीं है। अगर आप कोई सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक गा रहे हो तो उसमें रिहर्सल होता है, यू कैन रिहर्स इट। बट यहाँ पे मुझे नहीं पता आज मैं यमन में बंदिश के अलावा कुछ नहीं पता कि मैं कैसे गाने वाला हूँ, क्या गाने वाला हूँ। तो अगेन दैट इंटरनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स। तो या ये दो तरीके मुझे लगते हैं कि वेरी डीप सिमिलैरिटीज। बिल्कुल, और बल्कि आदर्श स्थिति तो ये मानी जाती है कि अगर आप लगातार 4 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं और चारों दिन यमन गा रहे हैं तो चारों दिन एक जैसा ना गाएं, तभी तो कहा जाता है कि आप असली कलाकार हैं। बिल्कुल वरना
अगर रट के ताने मार के और जाके प्रस्तुति करनी है तो यमन एक बार तैयार कर लिया तो जीवन भर साथ रहेगा, लेकिन उस यमन में खोना, उसमें डूबना, वही तो सारा खेल है। अच्छा आदित्य, आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि अब जब आपके सामने किसी शास्त्रीय कार्यक्रम की प्रस्तुति का, मान लेते हैं, प्रस्ताव आता है और आपसे कहा जाता है कि 1 घंटे की प्रस्तुति करनी है, उस 1 घंटे को आप कैसे प्लान करते हैं? मतलब उसमें क्या-क्या चीजें सोचते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं, जरा बताइए। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो अगर 1 घंटे के लिए है तो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो फर्स्ट मैं ये देखता हूँ कि ये कौन किस तरीके का कॉन्सर्ट है, एज इन लाइक इफ दिस इज अ कॉन्सर्ट फॉर लाइक लॉट लाइक 500,000 पीपल, जहाँ पे सब तरीके के लोग आएंगे। क्योंकि अगर वही यमन आपको 1,000 लोगों के सामने गाना है जिन्हें इन जनरल पब्लिक हो, तो आपको एक अलग तरीके से उसे पेश करना है। और अगर कोई ऐसा है जो जहाँ पे बहुत सालों से ये फेस्टिवल चल रहा है और बहुत सब कलाकार वहाँ पे सुनने आते हैं या बहुत सब कांसेन लोग वहाँ पर सुनने आते हैं, तो वहाँ पर जो यमन में गाऊंगा इट विल बी वेरी डिफरेंट। तो राग का चॉइस इट डिपेंड्स कि अगर मैं ऑलरेडी किसी राग में अगर मेरा चिंतन शुरू है और अगर कॉन्सर्ट है तो शायद मैं वो राग चूज करूंगा। बट उसपे ऊपर क्या काम करे दैट डिपेंड्स ऑन वन वन ऑफ दिस एस्पेक्ट। और दूसरा ये भी रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ एकम्पनिस्ट आर देयर, लाइक अगर मेरे हमेशा के एकम्पनिस्ट होंगे तो एक अलग कंफर्ट लेवल होता है, और अगर नए कोई एकम्पनिस्ट होने वाले हैं तो अकॉर्डिंगली आई चूज व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग। क्योंकि अपना कंफर्ट लेवल यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सो इफ मेरे हमेशा जो है तो दे ऑल्सो नो कि मैं क्या गाने वाला हूँ, कैसे लय में गाने वाला हूँ, एंड दे एडजस्ट टू मी। बट अगर न्यू एकम्पनिस्ट है तो आई हैव टू एडजस्ट टू देम। तो आई विल हैव टू मेक श्योर यू नो दैट बैंडविड्थ आई हैव कि गाने के अलावा कि मुझे उनसे एडजस्ट कर करके मेरी कला प्रस्तुत करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपने समय निकाला, हम लोगों ने बातचीत की और अभिनय से लेके गायकी तक सारे पक्षों पर विस्तार से चर्चा हुई। ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hey.
Time.
प्रथमा